गुड मॉर्निंग सो टूडे विल फिनिश दिस बुक लाइफ अनफोल्डेड फोल्डेड एक ही स्टोरी बचे आपकी जो लास्ट चैप्टर है बॉर्न इन 1955 इन अ स्मॉल विलेज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ही इज़ द ओनली हिमाचली राइटर जो आपके दो साल के कंपलसरी कोर्स में है एस आर हर नोट ही इज़ रिटन शॉर्ट स्टोरीज ए नावल कॉल्ड हिडिम्ब एंड बुक्स ऑन कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे इंदू शर्मा इंटरनेशनल और एच स्टेट अकेडमी अवार्ड ये जो प्रेजेंट स्टोरी है द रेडनिंग ट्री इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम इस शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड लाल होता दरख्त लाल होता पेड़ बेसिकली उर्दू में पेड़ को आप दरख्त कहते हैं सो इट्स अबाउट अ फार्मर फैमिली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जो मेन जो मुखिया है घर के मठरू ही इज़ अ पुअर मैन एंड ही अर्नस अ मियागर लिविंग थ्रू ऑड जॉब्स तो किसी तरह गुजारा करते हैं ऑड जॉब्स यानी इधर उधर के काम दिहाड़ी कभी जैसे पत्थर तोड़ लिए कभी कुछ कूली का काम कर लिया ऑड जॉब्स कोई स्पेसिफिक नहीं हिज़ वाइफ एंड ही स्ट्रगल टू फुलफिल दैर ड्यूटीज़ विद इन दैर लिमिटेड मीन्स जो इनके जो लिमिटेड दायरे हैं कम पैसा है कम रिसोर्सेज हैं उसमें ये अपनी ड्यूटीज़ निभाना चाहते हैं अब ये क्या ड्यूटीज़ हैं लेट्स सो मोस्ट ऑफ द लैंड हैज़ बिन मॉर्गेज मॉर्गेज यानी गिरवी रखा जा चुका है क्यों क्योंकि इससे पहले जो उनकी जो बड़ी बेटी थी उसकी शादी करानी थी और साथ ही साथ एक जो तुलसी का पौधा था उसकी भी कहीं ना कहीं एक रिचुअलिस्टिक वेडिंग है कि, नो, एक यू नो अनुष्ठानुसार एक Uh, जो अब ये, ये है। शगुन या जो भी आप ये नो शगुन अब शगुन मानते हो या फिर समथिंग ऑस्पिशियस तो उसके लिए तुलसी की भी शादी करनी जरूरी थी और अब केवल उनके पास अब स्थिति ये है कि अब उनके पास केवल एक छोटा सा खेत बचा है लेकिन ये भी उन्हें बेचना पड़ेगा क्यों क्योंकि अभी एक और बेटी है मुन्नी की शादी करनी है और साथ ही साथ एक पीपल का पेड़ है उसकी भी शादी करनी है सो एज़ यू कैन सी अगर जैसे आपने पुरानी पिक्चरें देखी जैसे मदर इंडिया मदर इंडिया का भी पूरा प्लॉट इसी पे था कि जो हीरो हीरोइन की शादी कराने के लिए माता जी उधार ले, ले लेती है गिरवी रख देती है खेत और फिर उनके साथ क्या क्या होता है वो आप दो तीन घंटे में देखते हैं दी अदर आइडिया अगैन आपको बॉलीवुड पिक्चर में ये बड़ा दिखता है ये आइडिया क्या है जो हमारे खासकर हिंदू समाज में है क्या कि बेटी तो परायधन होती है एक दिन उसे दूसरे घर जाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो दीज टू आइडियाज़ आर देयर बाकी आगे क्या होता है कहानी में हम देखते हैं और इसके अलावा बेसिकली हर नोट इज़ रेजिंग अ लॉड ऑफ क्वेश्चन अबाउट सुपरस्टिशन फेथ एंड कस्टम्स कि ये जो हमारे जितने भी तौर तरीके हैं अनुष्ठान हैं क्या वे सभी ज़रूरी है और यहाँ पे सुपरस्टिशन का क्या रोल है you know, जो अंधविश्वास का क्या रोल है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं सो लेट्स मूव ऑन विद द स्टोरी द मॉर्निंग सन कम्स फ्रीली टू मुन्नीस डोर तो बिल्कुल एक टिपिकल विलेज सीन से शुरू हो रहा है धूप सुबह सुबह शुरू ही है और अब देखा जाएगा परिवार की इंट्रोडक्शन हो रही है ये लोग क्या क्या करते हैं जब तक ये उठ चुकी है और फ्रेश हो चुकी है तब तक धूप धूप आ चुकी है पूरी शी इज़ यूज टू वेकिंग अप बिफोर द सन फॉर देट इज़ नॉट वन लेज़ी बोन इन हर मुन्नी जो है बहुत ही क्या है एक तेज़ लड़की है बिल्कुल लेज़ी नहीं है और इसीलिए वो सूरज के पहले ही उठ जाती है ऐसा उसका जो एनर्जी और हार्ड वर्किंग स्पिरिट ऐसा कहते हैं उसकी माता जी से आया क्योंकि अम्मा क्या है बिफोर इट इज़ लाइट धूप होने से पहले घर के अठारह काम चोर्स तो कर देती है हर मेन वर्क इज टू मिल्क द कैटल एंड टू फीड देम। उनका मेन काम क्या है जो कैटल है गाय भेड़ भेड, बकरी भैंस है उनका दूध निकालना है और उन्हें खिलाना है वेनेवर मुन्नी शी वेक मदर चर्निंग मिल्क नियर द चूल्हा जब भी मुन्नी उठती है उसकी माँ पहले से ही चूल्हे के बगल में क्या है मिल्क को चर्न करें चर्न क्या है घोलना जैसे बटर बनाने के लिए आप उसे बार बार चर्न करते हैं डंडे से समटाइम्स अ फादर फादर ऑल्सो राइज इज अर्ली बट एट अदर टाइम्स बापू स्लीप्स इन लेट ही डज़ नॉट वर्क एट डे ब्रेक और अगेन ये चीज़ शायद हमने पहाड़ों में हर जगह देखी है कि औरतें बेचारी सुबह से लेकर रात तक बाहर का अंदर का सारा काम करती हैं और आदमी लोग थोड़ा आराम से बैठते हैं मुनीस बाय द मॉर्निंग सन सनशाइन अप्रोचेज इन बिट्स एंड पीसेज फ्राम डिस्टेंट वेल्स तो जो धूप है जैसे पहाड़ों में आपने देखा है दूसरे पहाड़ों के पीछे से और अलग अलग वैली से आती है धूप और ये पैराग्राफ में यही एक बड़ा ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन है प्राकृतिक डिस्क्रिप्शन है क्या कि कैसे कैसे पहाड़ों में धूप निखरती है सो जोन्स ब्रीफली एट द फील्स थ्रेशिंग फ्लोर एंड ग्रैनरीज टैरीज एट द न्यू एंड नॉट सो न्यू हाउस ऑफ द विलेजेस एंड पॉसिज एट द फुट तो धूप चलते जा रही है चलते जा रही है फिल्स द एयर विद मनी डिफरेंट कलर्स एंड इट्स गोल्डन रेज मेक दियर होम इन मुनीज हार्ट और जो धूप है उसका जो एक जो इफेक्ट है जो हम शायद पहाड़ों में रहने वाले लोगों को ही समझ में आएगा क्योंकि अगर आप नीचे प्लेन्स में रह रहे तो आप धूप से भागते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन पहाड़ों में हमें धूप है तो पता है तो कहते हैं फिल्स दीस गोल्डन रेज मेक दर होम इन मुनीज़ हार्ट दिल में बस जाती हैं उसके मुनीज होम इज सिटेड ऑन द स्लोपिंग फील्ड्स इट फेसिस हिल्स दैट और द स्लोपिंग फील्ड्स जो आप जानते हैं जो सीडी नमा खेत टेरिस फील्ड्स टॉल पाइन ट्रेज स्टैंड ऑन द हिल्स एंड थ्रू द स्ट्रगलिंग ब्रांचेज द सन पीप्स इन टू हर थ्रेश होल्ड और फाइनली क्या है थ्रेश होल्ड जो चौखट है मुन्नी के घर पे चौखट पर भी धूप पहुँच गई है दीज मोमेंट्स आर ट्रेजर्ड बाई मुन्नी शी कम्स इन टू दर टू डिवाउटली ग्रीट द सन गॉड शी कवर्स हर है रिस्पेक्टफुल विद द दुपट्टा एंड फोल्ड हर हैंड इन डिवोशन और ऐसे चलते चलते जब धूप फाइनली उनके घर पहुँच चुकी है तो मुन्नी क्या है प्रार्थना करती है सूर्य देव से Then she scours the small round bell metal pot with ash from the kitchen fire. After washing this lota, she fills it with water and does not forget to add two, three grains of rice to it. She is careful not to grasp the lota with her fingertips, for she knows that a vessel is held in this way only for ablutions. Instead she places the lota on the palm of her left hand and covers it with her right. Her first pursuit in the morning is to offer water to people Bhagwan. तो ये जो हिंदू रिचुअल से आप देख सकते हैं तो सबसे पहला काम क्या है जो पीपल का पेड़ है पीपल भगवान है उन्हें जाकर पानी चढ़ाना है और कैसे चढ़ाना है लोटे में और वो भी बात है मॉर्निंग ऑब्ल्यूशन जब पहले के ज़माने में जब टॉयलेट्स नहीं थे तो आप लोटा लेकर जंगल जाते थे और तब लोटा आप क्या है बेसिकली ऐसे पकड़ते हैं विद योर फिंगर्स तो एक लेकिन जब आप पूजा के लिए जा रहे हैं तब आप लोटा कुछ ऐसे पकड़ते हैं सो दैट्स वट इज बींग टॉक्ड अबाउट हेयर द पीपल गॉड द होली फिक्ट्री नाउ ग्रोन यंग मुन्ज बापू मठरू हैज़ रेस्ड इट लाइक अ सन तो कहीं ना कहीं उस पेड़ को भी अपने बच्चों की तरह पाला है मठरू ने मुन्नी के पिता ने अ पीपल विद इन द बाउंडस ऑफ वनज लैंड ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक पीपल का पेड़ आपके ज़मीन पर है तो वो बहुत लकी रहता है अ पीपल हैज़ टेकन रूट इन आवर लैंड बिकॉज ऑफ सम ऑस्पिशियस फ्रूट्स ऑफ अ प्रीवियस लाइफ तो मठरू इनके मुन्नी के पिता का मानना है कि ज़रूर उन लोगों ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पुराने किसी दूसरे पहले के जीवन में इसीलिए एक पीपल का पेड़ उनके ज़मीन पर उग रहा है तो बाकी के जो गांव वाले हैं वो भी मटरू को खूब दिला है देते हैं दिलासा देते हैं ओ मटरू योर राइट ओनली डोंट गिव अप योर धर्मा योर फेथफुल ड्यूटी वॉट आर द पीपल रिलीजियसली एंड सी दैट यू नेवर फॉरगेट तो क्या है हाँ हाँ ज़रूर करो जरूर करो बहुत बढ़िया है देन अनदर वेफर टू दैडिंग ऑफ द तुलसी प्लांट एंड मटरूड फ्लोट इन दर विच जॉय तो फिर क्या है जो एक जो पहले का जो तुलसी का पेड़ है जिसकी शादी हो चुकी है करवाई गई थी कोई उसकी बात करता है और मटरू क्या है गर्व से उसकी छाती फूल जाती है इट हैज टू बी सेड पंडित यू अरेंज द तुलसी इज वेडिंग जस्ट लाइक अ डॉक्टर उन्हें कहते कि मठरू यार तुमने अपने तुलसी की बेटी तुलसी की शादी ऐसी की जैसे कि सही में अपनी बेटी की शादी कर रहे हो अब क्या करें आजकल तो हमारे समाज में बस बेवकूफी पैदा हो रहा है उन्हें बस पैसा ही पैसा चाहिए धर्म ये सब की बातें ही नहीं है शाबाश मठरू तुमने ऐसा किया पुजारी काका एक द वर्ड्स ऑफ द विलेज एल्डर जो पुजारी काका है वो भी ऐसी बातें करते हैं कि क्या शादी थी वाह वाह तू बहुत धूमधाम से मुनिया देख ली तेरी भी होगी और वही है जो हम बात कर रहे थे यू नो अ डॉटर इज अनदर ट्रेजर शी शुड बी मेकिंग अ होम बेटी क्या है पराय धन होती है किसी और का धन है उसे घर बनाना या फिर घर संभालना आना चाहिए नो no वंडर मुन्नी इज़ अडेप्ट एवरी हाउस होल्ड चोर इवन एट अ टेंडर एज और इसीलिए अपनी क्या है नाजुक उम्र में भी मुन्नी को सारे घर के काम आते हैं शीचर्स मिल्क्स कुक्स मेज एंड वीट रोटीज फैच वाटर एंड फोराज मिल्क्स द कैटल एंड वर्क्स द मिलस्टोन घराट यानी हर चीज हर काम करती है शी इवन योक्स द ऑक्शन फॉर थ्रेशिंग एंड टेक्स द ग्रेन टू बी ग्राउंड एट द वाटर मिल इवन जो जो ऑक्सन है बैल है उनको वो हल्ब में डालती है थ्रेशिंग के लिए जिससे क्या है अनाज को अलग किया जाए ग्रेन्स को अलग किया है और फिर वाटर मिल घर तक ले जाती है मुन्नी हाउ एवर लॉन्ग्स टू गो टू स्कूल लेकिन इन सब के बीच में उसका बहुत मन है स्कूल जाने का बट बापू वट लेट हर ही बिलीव देर इज़ नो यूज ऑफ स्कूलिंग अ गर्ल क्योंकि क्या है लड़की को पढ़ा के क्या करना है कल को उसके किसी और के घर जाके घर बार का ही काम तो करना है किताबें पढ़ के क्या करेंगी ही अलाउड हर टू अटेंड स्कूल टिल क्लास थ्री देन ही विद्रो हर नेम माँ एनी वे डिड नॉट अप्रूव ऑफ और गोइंग टू स्कूल एट ऑल माता जी को तो पसंद ही नहीं था शुरुआत से उसका स्कूल जाना मुन्नी स्टिल रिमेंबर्स वेन शी हैड स्टूड फर्स्ट इन क्लास हाउ मच लव एंड एंड्रिसिएशन द टीचर्स हैड गिवन हाउ मैनी सो क्लास तीन तक बेचारी को पढ़ने दिया गया लेकिन फिर मना किया गया लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज़ थी फर्स्ट क्लास आई थी और सो ऑन एंड सो ऑन हर साइलेंस वॉज ब्रोकन बाई पुजारी काका योर पीपल हैज़ ऑल्सो ग्रोन यंग नाउ मुनिया योर बापू सेज़ ही विल अरेंज इट्स वेडिंग नेक्स्ट ईयर यू टू आर ग्रोन ओल्ड इनफ टू बी मैरिड पुजारी काका लविंगली पैटेड हर चीज तो वही बातें चल रही है कि हाँ बेटी तू भी बड़ी होगी तेरी भी शादी होने वाली और पीपल की भी होगी वाह 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 द पीपल्स वेडिंग एंड अर ओन पर दे वुड बी अरेंज जस्ट लाइक तुल सीज वेडिंग एंड अर सिस्टर्स मुन्नी रिटर्न होम विद दीज थॉट्स मठरू हैज़ टू डॉटर अब थोड़ा क्या है पुरानी कहानी वापस जा रहे हैं मठरू हैज़ टू डॉटर्स द एल्डर डॉटर वॉज मैरिड बिफोर द तुलसी मुन्नी वॉज बॉर्न मच लेटर मठरू इज स्टिल बर्डन विद डेट फॉर इज बोरोइंग्स एट द टाइम्स ऑफ द टू वेडिंग्स मुन्नी जब अम्मा के साथ खेतों में जाती है तो कई बार बोलती है अरे वो खेत तो हमारा है वो वाला भी तो फिर हम इन पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं वहाँ से हम घास क्यों नहीं काट रहे हैं तो अम्मा फिर उसे बताती है कि नहीं असल में वो सब क्या है मनी लेंडर जो पैसे देने वाला जो ब्याज पे उसे हम गिरवी पे रख चुके हैं everything was so expensive and the income from a daily wage so meager that it was difficult to buy even salt and oil, bare necessities for one's daily bread. sub-kuchitna maha hawarathor matru ki jo daily wage was so that kam survival ke liye. matru had only one remaining field that yielded just enough grain to last them a year. it was a piece of 4 bigha and 7 bis of agricultural land. he also owned two small meadows. तो अब मटरू के पास बस एक ही खेत बचा है जो उनको किसी तरह यू नो अनाज दे, दे देता है एक साल के लिए चार बीघा सात बिस्वा ज़मीन है ज़्यादा नहीं है जैसा आप जानते हैं हिमाचल के अनुसार एंड ही ऑल्सो ओन टू स्मॉल मेडोज तो कुछ एक एकड़ की ज़मीन बची है खेत बचा है और छोटे से जो जहाँ मेडोज जहाँ पे क्या है जानवर चरते हैं वो बचे हैं इन बाय डेज मटरू ऑन इज लिविंग बाय परफॉर्मिंग रिचुल्स एंड सेरेमनीज दैट रिक्वायर्ड अ पंडित अब क्योंकि मटरू पंडित है पुराने दिनों में वो क्या है P कुछ रिचुअल्स पूजा पाठ ये सब करके भी कुछ पैसा कमा लेता था इन द विलेज एंड इज सराउंडिंग एरियाज़ ही हैड मनी जजमान पीपल हु रिक्वेस्टेड एंड पेड फॉर इज सर्विस एज अ पंडित तो कई जजमान थे उनके गाँव में और आस पास के गाँव में बट ग्रेजुअली हिज ओन रिलेटिव वीन ऑफिस क्लाइंटल फ्रॉम हिम लेकिन जो इनके जो रिश्तेदार थे वो भी सभी पंडित हैं और धीरे धीरे क्या है उन्होंने ही इनके जजमान चुरा लिए वो ये सब काम करने लग गए और मठरू बेचारा रह गया मठरू कॉरल्ड मेनी टाइम्स विद देम फॉर स्नैचिंग अवे जजमान बट नो वन पेड टू हिम मीट कई बार उन्होंने बोला कि मेरे जजमान चुरा लिए तुम लोगों ने लेकिन किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया हिज वाइफ काउंसल्ड हिंड टू कीप द फेट एंड नॉट गेट इन टू फ्यूटाल फाइज पत्नी ने बोला छोड़ो ये सब लेट दिस काउंट्रेल्स भी हरामी लोगों को छोड़ो इन गॉड्स हाउस देर में भी डिले बट देर इज नो डिनाइल ऑफ जस्टिस क्या है भगवान के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं आर्ट इज अ स्मॉल फैमिली अब क्या है बस एक ही बच्ची बच्ची उसकी शादी करनी है तो क्यों चिंता ले रहे हो जाएगा बट हाउ कुड मट टू स्टे काम द फैमिली हैड टू बी लुकड आफ्टर द मॉर्गेज फील्स हैड टू बी पेड फॉर द डॉटर वॉज कमिंग ऑफ एज द पीपल हैड टू बी मैरिड देर वर एवर माउंटिंग एक्सपीरियर एक्सपेंसिस तो क्या है मठरू शांत कैसे रहे परिवार देखना है गिरवी खेत वापस लेने हैं लड़की की शादी करनी है और ऊपर से पीपल की भी शादी करनी है तो कैसे होगा और खर्चे बढ़े जा रहे हैं मटरू समटाइम्स वर्कड ऑन डेली वेजेस मेकिंग और मेंडिंग रोड तो वही मनरेगा टाइप का उस समय का काम जो होता था रोड वोड बनाने का उसमें वो लग जाते थे कभी कभार ना इन ही वॉज ऑल्सो हाइड फॉर वर्क इन द फॉरेस्ट कभी कभार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी शायद इनको दिहाड़ी देती थी Every so often he was dismissed from work because he did not know any influential person who could put in a word for him. बार बार उन्हें ऐसे कामों से निकाल दिया जाता था क्यों जैसा हमें पता है हिमाचल में क्या सिस्टम है इन्फ्लुएंशियल पर्सन कहीं से कहीं से वो किसी की भी सिफारिश नहीं लगा सकते थे किसी से पत्र नहीं ला सकते थे किसी का फ़ोन कॉल नहीं लगा सकते थे तो इसलिए मटरू को ज़्यादा दिहाड़ी भी नहीं मिलती थी He approach, तो ही हैड हर्ड दैट सच एन अप्रोच यानी सिफारिश और रिकमेंडेशन वॉज नाउ नेसेसरी टू बी हाइड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ पब्लिक वर्कस एंड फॉरेस्ट तो वही पी डब्ल्यू डी या फॉरेस्ट में काम करने के लिए अब आपको सिफारिश चाहिए जो कि मटरू बड़ा सिंपल आदमी है गरीब आदमी उसके पास नहीं है ऑल्सो बींग अ पंडित ही कुड नॉट टेक अप एनी एंड एवरी जॉब ही हैड इज ऑनर टू प्रोटेक्ट एंड ऑन मेनी डेज ही रिमेन एट होम विदाउट बींग एबल टू ऑन एनीथिंग एट ऑल और साथ ही में क्योंकि मटरू पंडित है वो ऐसे ही कुछ भी काम तो नहीं कर सकता जैसे बर्तन धोने का या कहीं पर और कि उसे अपनी इज्जत भी बचानी है तो इसलिए बड़ी दुविधा है वंस और ट्वाइस अ मंथ मटरू विजिटेड द नर्सिंग टेम्पल टू तो लुक अप द तुलसी एक दो बार महीने में वो ज़रूर नरसिंह के मंदिर में जाता था जहाँ जैसे हमारे यहाँ भरमौर में भी चौरासी में भी एक नरसिंह का मंदिर है तो वहाँ पे क्या है जो तुलसी का पेड़ लगा है, जिसकी शादी की गई है उसे वो देखने ज़रूर जाता है और वहाँ पे देखता है उसका जो तुलसी का जो पेड़ है वो बहुत अच्छे से फल फूल रहा है यानी कि देवता ने उसे अपनी ब्राइड के रूप में स्वीकार कर लिया है और भी कई लोगों ने क्या है पंडितों ने अपने अपने तुलसियों को नरसिंह देवता से शादी की है लेकिन वो सब सूख रहे हैं तो मठरू का मन खुश हो जाता है तभी पुजारी जी वापस आ जाते हैं पुजारी कहा हाउ आर यू मठरू वेरी वेल बाय और ग्रेस और फिर चलते चलते बात निकलती है कि मुन्नी की शादी होनी चाहिए बड़ी हो गई है I think you should get both of them married at one and the same time because the people is also grown and he too must be wed. Matru simply sat silently for long. Puchari Kaga broke the silence. Have any marriage proposals for Munni come your way or not? If you wish, I will broker their alliance. I know of one or two places where things may work out. तो ये जो पहले के काम टाइम पे शायद जो पंडित पेरे पुजारी लोग भी ऐसा काम करते थे शादी करवाने का तो कहते हैं कि अगर कोई नहीं मिल रहा है तो चिंता मत करो मैं ढूंढता हूँ मुन्नी के लिए बट रू नॉट अटर अ वर्ड ही ओनली नॉट इट इज एसेंट ही न्यू बोथ टास्क हैड टू बी डन बट हाउ ही डिन हैव अ ब्रोकन कौड़ी इन इज पॉकेट पहले क्या है जो करेंसी सिक्को और नोट की जगह कौड़ी होती थी जो शेल्स छोटे छोटे तो कह रहे उनके जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है तो वो कैसे ये काम करवाएं और ना ही वो किसी को बता सकते हैं नहीं तो बेजती हो जाएगी गांव में कैसे बताएं तो इसलिए बहुत परेशान है मटरू द प्राइड ही तुलसी अ फ्यू अगो अज ब्रोकन जो गर्व ने तुलसी को देख कर कुछ समय पहले हुआ था वो टूट चुका है घर पहुंचता है मठरू और वहां पर मुन्नी की माँ मा भी वही पूछती है क्या हो गया तुम्हारा मुंह क्यों लटका है <coughs> आई एम ओके ओके यू डू योर ओन वर्क मठरू रिप्लाइड इरिटेबली तो कहीं थोड़ा इरिटेशन में है क्योंकि परेशान है तो अपनी पत्नी को बोल देता है अरे तुम चुपाप चुपचाप अपना काम करो मुनीज मदर न्यू हर हस्बेंड रूटीन शी शिपस्ट पुश द बर्निंग वुड फर्दर इन द हॉल ऑफ द चूल्हा एंड टच फिंगर टू द वाटर हीटिंग अपॉन इट द वाटर इज हॉट जी फ्रेशन अप एंड ऑफर इन सेंस टू द गॉड्स तो ये चलते चलते मठरू अपने हाथ पैर धोते हैं और उसके बाद पूजा के लिए जाते हैं मुन्नी वॉज समवेयर आउटसाइड प्लेइंग विद लाली इज किड्स लाली वॉज देयर गोट She had just delivered two kids. मुन्नी नाव है टू कम्पेनियंस विद होम टू फ्रॉलिक एंड प्ले तो एक तरह से मुन्नी अभी भी क्या है एक तरह से बच्ची ही है यू नो सो अनदर इशू दैट यू कैन से इट्स टेकिंग अप चाइल्ड मैरिज वो बेचारी क्या है अपने बकरी के बच्चों से खेलना चाहती है और उसे कुछ आइडिया नहीं है असल में शादी होती गया है लेकिन उसकी शादियों की बात हर जगह चली है अब मुन्नी बाहर है मुन्नी के माता पिता की बात चल रही है माता जी कहती है कि कल दिन वॉज वाइफ ऑल्सो ब्रॉट अ प्रपोजल फ्रॉम अ बॉय ऑफ कम्युनिटी तो धीरे धीरे क्या प्रपोजल्स आ रहे हैं मुन्नी के लिए मठरू कहता है कि लेकिन पीपल भी हो गया उसकी भी शादी करनी पड़ेगी तो मुन्नी की माता थोड़ी शायद प्रैक्टिकल है वो मुंह चढ़ा देती है बोलती है बोलती कि मुन्नी की शादी पहले करा देते हैं तुलसी की तो करवा दी अगर पीपल की शादी ना भी कराए तो क्या ही फर्क पड़ता है हमारे हमारे रिसोर्सेज हमारी आमदनी भी तो देखी है लोगों का तो क्या है कहते रहते हैं कहने दो उन्हें जो भी है किसी ने आज तक हमारी मदद की है क्या लोग बस बोलते रहते हैं खेत तो हमने अपने खोए हैं तो फिर से और भी खोना चाहते हो क्या चुपचाप से मुन्नी की शादी कर ला लेते हैं पीपल को छोड़िए मटरू डिड नॉट अप्रिशिएट हिज वाइफ एडवाइस ही फ्राउंड टॉक सेंस वूमेन वॉट डू नो अबाउट द स्क्रिप्चर्स इज दर एनिवन एल्स इन द विलेज इन द एंटायर एरिया फॉर्चुनेट इनफ टू हैव पीपल बॉर्न इन देयर फील्ड अरे बेवकूफ औरत तुमको स्क्रिप्चर्स वेदों के बारे में क्या ज्ञान है क्या आसपास देखा है किसी और के भी खेत में किसी की इतनी अच्छी किस्मत हो कि एक पीपल का पेड़ उगा हो बिफोर शी कुम मुन्नी केम इंड द हाउस she did not want to speak of this matter in मैटर presence. For although she was young, she still understood everything. So इसीलिए अब क्या मुन्नी वापस आ गई है उसके माँ बाप चुप हो जाते हैं बिल्कुल और मुन्नी बैठ कर माता की मदद करने लग जाती है खाना पकाने के लिए टू मुनीज़ मदर हर डॉटर के फर्स्ट तो जो माता है उसके लिए ऑब्वियसली उसको पीपल की ज़्यादा नहीं पड़ी है उसे तो अपनी बेटी का ख्याल है वहीं पे जो पिता है उन्हें समाज का भी देखना पड़ेगा खुद भी पंडित है तो धर्म ये सब सब कुछ सोचना पड़ रहा है शी बिलीव द तुलसी एंड द पीपल हैड कम टू हर होम नॉट टू ब्रिंग गुड फॉर्चून बट टू मेक दम डेस्टिट्यूट तो प्रैक्टिकल और थे, उनका तो मानना है कि ये जो तुलसी और पीपल अच्छे फॉर्चून नहीं गुड लक नहीं असल में उन्हें गरीब करने के लिए बेघर करने के लिए आए हैं काश अगर उनकी बस दो ही बेटियां होती चुपचाप से तो दोनों की अभी तक शादी हो जाती और इतना कुछ गिरवी भी नहीं रखना पड़ता वॉट मॉर्गेज दे और एक्चुअली सोल्ड फॉर दे वुड नेवर बी एबल टू रिटर्न द लोन और फिर मुन्नी की माँ और भी प्रैक्टिकली कहती है अरे क्या ही गिरवी वो खेत कभी नहीं वापस आने वाले बिक ही गए हैं क्योंकि उनके पास कभी भी शायद इतना पैसा ना है उनको वापस लेने का इंस्टेंट दे वॉज मोर मनी टू बी बोरोड शी न्यू हर हसबेंड हैड नो अदर ऑप्शन बट टू मॉर्गेज द वन रिमेनिंग फील्ड तो वही है और कोई और चारा नहीं बचा है जो एक छोटा सा उनका जो एक का खेत बचा है वो भी उन्हें बेचना पड़ेगा मटरू के नॉट स्लीप वेल एट नाइट नाउ इन द मिडल ऑफ द नाइट ही वेक्स विद स्टार्ट तो परेशान है नींद भी नहीं आ रही है ढंग से मुन्नी को वो देखता है और उसे उसके मन में बहुत प्रेम जगता है और वो जानता है कि उसकी बेटी की शादी करने के लायक हो गई है और इसीलिए वो फिर और परेशान रहता है ओनली वन हैज डॉटर्स कैन अंडरस्टैंड दिस पियर पेन बस जिसकी अपनी बेटियां है वही ये दर्द समझ सकता है टू टॉप इट ऑल देर इज द एन्जाइटी अबाउट इस प्लेस इन द कम्युनिटी और ऑब्वियसली इसके ऊपर फिर जो उसे अपने जो समाज में जो उसकी जगह है उस पर भी चिंता है कि अगर उसने पंडित होकर भी धर्म नहीं फॉलो किया और पेड़ की शादी पीपल के पेड़ की शादी नहीं कराई तो लोग क्या कहेंगे जो संस्कार है उसके संस्कार उसे क्या कैसे जीने देंगे कि उसे अपना सरकार संस्कार तो पूरा ही करना पड़ेगा मटरू टू फ्लाउंडर्स फ्लाउंडर्स इन डी वाटर्स बिटवीन द टू तो हाँ कहीं एक तरफ बेटी की चिंता है तो दूसरी तरफ समाज और पीपल के पेड़ की की फीयर्स यू वुड लूज फेस इन द कम्युनिटी इफ़ द डॉटर्स वेडिंग वर नॉट इम्प्रेसिव एंड इफ द पीपल रिमेंड अनमेरिड तो ये कहता है कि शायद कुछ इज़्ज़त ही नहीं रहेगी उसकी समाज में अगर वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से ना कर पाए और पीपल को भी आ, बिना ब्याहे छोड़ दें तो वही समाज का प्रेशर है धर्म का प्रेशर है बेसिकली एक तरह तो से समाज का ही प्रेशर है जो मठरू पर लगा है और जिसके प्रति हम और जैसा हमने बात किया ये एक बहुत कॉमन एक स्टोरी आइडिया है हमारे इंडियन सेटिंग में की बेटी की शादी करानी है और इसलिए लोगों ने लोन ले लिया है और फिर बहुत ही कष्ट में हैं अब हम कहानी के सेकेंड हाफ़ में आते हैं अब बेसिकली पुजारी का कहा है फिक्सड मुन्नीज़ मैरिज मुन्नी की शादी फिक्स हो गई है मैनी कंस्ट्रेंट्स वर नाउ एंजॉइंड अपॉन द गर्ल डूज एंड डोंट फॉर एंड फोर्स तो अब क्या है पहले उसे बच्ची की तरह रखा जाता है जो उसका मन है वो करती थी लेकिन अब क्या है उसकी शादी होने वाली है तो आप उसपे कई नियम लगा दिए गए हैं। अम्मा did not let her go out alone. She herself took the cow and goat out to graze. She did not send Munni alone to fetch forage forage grass. Munni could not play with other children from the neighborhood anymore. Amma scolded her if she insisted on going out to play. तो basically, उसे एक तरह से indication दिया जा रहा है कि अब तुम बड़ी हो रही है किसी और घर में जाएगी तो संभाल जाओ तुम बच्ची नहीं रही हो। ऑल दीज डेवलपमेंट्स वर बियॉन्ड मुन्नी लेकिन यह सब क्या है मुन्नी के सर के ऊपर था शी हैड अ वेग आइडिया देट शी वॉज सून टू बैरिड बट वेडिंग मैं नथिंग मोर टू हर दैन हॉप स्कॉच और द मैरिज ऑफ द पॉटेड तुलसी शी सैट साइलेंटली इन द यार्ड और एट द विडो एट द बैक ऑफ द रूम एंड लुकड इंटेंटली एट द रूम द रिनिंग फील्ड लेकिन ये मुन्नी अभी तक बच्ची है जो हम बार बार बात करते हैं उसको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि असल में शादी का मतलब क्या है उसे तो लगता है कि वो भी एक खेल है जैसे हॉप स्कॉच यानी जो क्या कहते हैं जो एक टांग पे आप जैसे पत्थर फेंकते हैं और फिर एक टांग पे उछल कूद करके फिर दो टांग फिर एक टांग फिर मुड़ के जो एक जो गेम होता है स्टैपू बोलते थे तो हाँ हॉप स्कॉच और तो जो उसके लिए तो ये खेल है शादी भी उसे कुछ एग्जैक्टली exactly पता नहीं है वो तो इसलिए बस वो उसे बस इतना है कि हाँ उसकी शादी होने वाली उसे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि असल में शादी का मतलब क्या होता है और वो चुपचाप अपने जो उनका जो खेत बची है बचा है उसे देखते रहती है she also could not sleep well because of her amma and bapu. Ever since she had been placed under constraints, she had seen them upset and worried. तो कहीं ना कहीं उसे भी पता है अम्मा बापू परेशान है कई बार उन्हें उसे क्या है उनके लड़ने या फिर आवाज़ आती है उनके बातचीत की लेकिन जब भी वो आती है तो वो लोग चुप हो जाते हैं टुडे मुन्नी retired रिटायर्ड टू बेड early. आज मुन्नी जल्दी सो गई शी प्रिटेंडेड टू बी अ स्लीप एंड वेटेड फॉर अम्माँ बापू टू बिगिन टॉकिंग तो अब क्या है वो नाटक कर दिए सोने का ताकि अम्मा बापू जब बात करें वो सब कुछ सुन ले। और इसी के साथ साथ मुन्नी की माँ भी अब परेशान है दोनों रो रही है और मुन्नी और मुन्नी चुपचाप से अपने माता पिता को रोते हुए देख रही है उसके मन में भी बहुत पीड़ा है लेकिन वो कुछ नहीं कहती चुपचाप सोने का नाटक करते रहती है मटरू ब्रोक द साइलेंस बट द बर्डन ऑन our हेड्स विल be रिमूव विद मुनीज़ वेडिंग एंड द पीपल विल also be टेकन केयर ऑफ तो ये अपने आप को समझा रहे हैं दोनों माता पिता मिलकर कि हाँ नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा बस ये दो शादियाँ करवा देते हैं मुन्नी वॉज अ हैवी लोड ऑन हर पेरेंट्स अब जाके मुन्नी को फाइनली समझ में आए कि असल में वो एक बहुत बड़ा बोझ है अपने माँ बाप के लिए ऑन हेयरिंग दिस मुनीज़ हार्ट रोज टू हर माउथ शी वॉज बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन नाउ द फील्ड वॉज बींग सोल्ड फॉर हर अब जाके उस बच्ची को समझ में आया कि ये जो खेत बेचने की जो बात हो रही है वो उसके लिए उसकी वजह से हो रही है उसकी शादी की वजह से उसके और पीपल की शादी की वजह से विश शिविशी हैड नेवर बीन बॉन्ड इन टू दिस होम काश वो कभी यहाँ पैदा नहीं होती क्योंकि वही एक जो सोर्स है सभी प्रॉब्लम्स का उसे अब लगने लग गया कि वही एक स्रोत है प्रॉब्लम्स का लेकिन असल में उसकी गलती नहीं है गलती किसकी है समाज की जो क्या है इतना प्रेशर डाल देती है शादी पे और खासकर बेटी की शादी पे और ऊपर से अब यहाँ इस समाज में तो क्या है पेड़ों की भी शादी करनी है और वो भी धूमधाम से चाहे उसके लिए आपको अपने खेत खलिहान ही बेचने पड़े अब उसे पीपल पे भी गुस्सा आने लग गया वो चाहती थी कि उसे काट के फेंक दे। क्योंकि जब वो कहते हैं कि जब बांस ही नहीं रहेगा क्या बजेगी बांसुरी? तो इसीलिए वो चाहती है कि लेकिन फिर भी अगर पीपल के पेड़ को भी काट के फेंक दे तो अपना क्या करें उसकी तो फिर भी शादी करनी पड़ेगी नेक्स्ट मॉर्निंग इफ एनी वन कुड हैव सीन मुनीज फेस दे वुड सी हाउ द वरीज ऑफ द हाउस सीप्ड सीड इंडर फेस एंड स्लीपी आइज अगली सुबह ऐसा लगता है कि जैसे कि जो भी अब उसे जो ज्ञान हुआ है उसकी वजह से जो भी अब जो परेशानियाँ उससे समझ में आई है वो सब उसके चेहरे पर दिखने लग गई अब वो बच्ची नहीं रही शी हट ग्रास डर अम्मा बापू distress, डिस्ट्रेस इवन दो शी not नॉट अंडरस्टैंड marriage मैरिज really meant. हालांकि उसे नहीं पता था कि शादी वाकई में असल में क्या होती है लेकिन फिर भी उसने शी अंडरस्टूड हर मदर्स एंड फादर्स प्रॉब्लम ऑल मैरिज इज वर द सेम टू हर वेदर देवी तुलसी इज द पीपल्स बट शी कुड नॉट एक्सेप्ट द फील्ड शुड भी सोल्ड टू गेट द डॉटर मैरिज सभी शादी एक जैसी थी उसके लिए लेकिन वो नहीं मान पाती थी नहीं स्वीकार कर पा रही थी कि उन्हें अपना खेत बेचना पड़ेगा इन शादियों के लिए एज यूजल द सन वॉज राइजिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द हिल फिर से क्या है धूप निकल रही है और मुन्नी उठ चुकी है और वो लोटा निकल के वापिस पीपल के पास जाती है और उसी समय पीपल पे भी धूप की किरणें पड़ रही हैं एज मुनी गेट्स इट स्वीट चार्मिंग थ्रू हर वेरी बींग शी लुक डेट दीपल विद ग्रेट डिजायर नेवर बिफोर है पीपल स्माइलिंग एट हर शी वॉज वाइड अवेक नाउ हर नेचुरल प्लेफुलनेस सरफेस एंड शी बर्स्ट आउट यू आर गेटिंग मैरिड यू नो मैरिड तो वही है मन में तो उसने कुछ रात को बहुत कुछ सोचा था कि पीपल के पेड़ को ही काट के फेंक दे लेकिन एंड में वो बच्ची है और नेचर से उसे बहुत प्यार है खासकर धूप से तो जब धूप के धूप में वो वापस पीपल से मरती मिलती है तो कहीं ना कहीं उसके और पीपल में एक अलग कनेक्शन वापस आ जाता है और वो ऑलमोस्ट उसे प्रेम की निगाहों से देखती है और बिल्कुल पीपल से पेड़ से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती है शायद अगर आप लोग भी कभी जंगल वगैरह में जाते हो तो पेड़ों की एक अलग ऊर्जा होती है एक अलग प्रेजेंस होता है शायद आपने महसूस किया हो या नहीं सो समथिंग लाइक दैट मुन्नी के अभी शी इज़ गोइंग थ्रू देन शी पॉज टू थिंक हाउ द पीपल वुड बी मेड टू सिट इन साइड द क्लोज पैलेंट क्वीन ऑफ अ ब्राइड रूम शी एक्सप्लोडेड लाफ्टर फिर उसके दिमाग में एक छवि आती है कि जो पालकी जो ब्राइड रूम जो दूल्हा है उसे पालकी में ले जाया जाता है तो इस पीपल को कैसे पालकी में डालेंगे और वो हंसने लग जाती है एंड लाफिंगली पोर द वॉटर ऑन इट्स बॉडी आई एम ऑल्सो गेटिंग मैरिड Perhaps she wanted to ask it who would offer it water after she was married and gone to her husband's home. She took another long look at the people. The rustling leaves made a sweet sound. The streaming breeze poured music into her ears. द टेंडरनेस ऑफ द ग्लोइंग रेड कलर एंड द सॉफ्ट म्यूजिक वॉर गिविंग बर्थ टू एन इनक्रेडिबल जॉय विदिन हर तो अब ये जो प्रकृति का म्यूज़िक चल रहा है यानी कि जो पेड़ों जो पत्तों के बीच में से हवा निकलती है तो जो साउंड आती है और वैसे ही क्या है जो पेड़ खुद बिल्कुल अभी लाल है क्योंकि सूरज की किरणें उस पर पड़ रही है और एक लाल एक चमक उसके अंदर से निकल रही है जो द रेडनिंग ट्री जहाँ से टाइटल लिया गया है तो ये सब देख कर क्या है मुन्नी के मन में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है प्राकृतिक प्रभाव हो रहा है झीज लाइक यू नो फॉलिंग इन लव विद ट्री वापस जब वो आती है तो देखती है उसके घर में क्या है वापस जो मड एंड कावडंग की प्लास्टरिंग हो रही है वाइट वॉश करने से पहले जो क्या है चिनाई होती है जो गोबर से तो ये सब चल रहा है क्योंकि आज उसे देखने आ रहे हैं उसके फ्यूचर इन लॉज शी डिड नॉट गो इन टू द हाउस इन स्टेड शी प्लेस द लोट ऑन द स्पील द स्टोन्स वॉडर एंड कंटिन्यूड बिहाइंड द हाउस टू द वेरी फील दैट वॉज बी सोल्ड फॉर मुनीज वेडिंग तो लेकिन वो घर में नहीं घुसती है और चुपचाप से लोटा रख कर खेत की तरफ वापस चले जाती है जहाँ पे खेत जो जो खेत बिकने वाला है बापू हैड ग्रोन मस्टर्ड इन इट वहाँ पे क्या है सरसों की फसल लगी है The mustard was flowering. To Munni, the field seemed like a huge carpet of yellow flowers spread far and wide. She moved to the middle of the field. शी ऑज़ ड्रॉन टू अ लिटल तोता पंची लेडी बर्ड सिटिंग ऑन अ फ्लावर तो अब जो क्या सरसों के जो येलो फ्लावर्स होते हैं उनके खेत के बीच में मुन्नी खड़ी है और वहाँ पे उसे एक छोटा सा जो क्या है लेडी बर्ड तोता पंछी जो एक जो छोटा सा कीड़ा होता है ऑरेंज या रेड कलर का और जिसपे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं ब्लैक कलर के पिक्चर है और तो ये उसे उठा के तोता tota पंछी जो लेडी बर्ड को उठाती है और अपने पाम पर रखती है हथेली पर रखती है और कहती है फ्लाई ओवे पंछियाँ पास और फेल फ्लाई अवे तो बेसिकली एक तरह का ये जो उनके जो स्कूल के बचपन का गेम था किसी एग्जाम के बाद जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया और फिर एक तोता पंछी को आप रखते हैं और फिर कहते हैं उड़ जा पंछी पास या फेल अगर जो पंछी अगर जो लेडी बर्ड है अगर उड़ जाए तो मतलब कि बच्चा पास है और अगर वो चुपचाप बैठे रहे तो फेल है तो कहीं ना कहीं मुन्नी भी अब अब कौन सा एग्ज़ाम है वो आप अब कहानी के अंत में देखेंगे तो उसे भी अब बेसिकली इससे एक आपको इंडिकेशन हिंट मिल रहा है कि मुन्नी भी एक किसी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रही है अपने आप को और पूछ रही है कि वो पास होगी या फेल और जब वो ये टेस्ट करती है तो क्या है पंछी उड़ जाता है जो लेडी बर्ड उड़ जाती है एंड देन शी इज़ थिंकिंग अब उसके जो इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटर बेसिकली डायरेक्टली किरदार के, के दिमाग में घुसकर उनकी चेतना को या फिर उसके जो थॉट्स है उनको दर्शा रहा है दिखा रहा है शी डेंट गो टू स्कूल एनी मोर शी हैड नॉट टेकन एनी एग्जाम हाउ हेड द पंछी लाइड वो स्कूल तो जाती नहीं कोई एग्जाम देती नहीं तो पंछी कैसे झूठ बोल सकता है क्यों उड़ गया कुड इट बी दैट एवरी थिंग विच इज़ हैपनिंग वॉज ऑल्सो टेस्ट क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी उसके आस पास अब जो हो रहा है जो स्थिति में है वो और उसके माँ बाप क्या ये भी एक परीक्षा है टेस्ट है बट हाउ कुड शी पास इन इट इस परीक्षा वो कैसे पास करे तो अब जो हम क्या है कहानी के लास्ट पार्ट में कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं द वेडिंग ड्रेस फ्रॉम उन्नीस लॉ इन लॉज है डराइव्ड जो शादी का जोड़ा उठ के जो इन लॉज ने भेज दिया है द अलायंस वॉज डेफिनेटली अरेंज शादी पक्की हो गई है ऑस्पिशियस आर फॉर द वेडिंग्स ऑफ बोथ मुन्नी एंड द पीपल हैड बीन रेड टू मीन दोनों की जो क्या है जो शगुन की घड़ी जिस जिस समय शादी होनी चाहिए मुहूर्त होना चाहिए दोनों का फिक्स हो चुका है मुन्नी का भी और पीपल का भी द पीपल वुड बी मैरिड वन वीक वन वीक बिफोर मुन्नी हर फादर हैड ऑलरेडी चोजन अ सुनी प्लान टू बी द ब्राइड पीपल की शादी एक हफ्ता पहले होगी ऑलरेडी किसी दूसरे पौधे से उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी है These days Munni did not even wait for sunrise as soon as she awakened she took water and left the house but she did not return quickly as before she sat for a long time with the people she gazed at it and caressed its sleeves she touched its body and tried to embrace it आजकल क्या है मुन्नी अब धूप का भी इंतज़ार नहीं करती पहले ही पानी का लोटा लेके पीपल के पास पहुंच जाती है और वहाँ बहुत देर तक बैठती है उसके पत्तों को सहलाती है उसके उसे छूती है गले लगाती है तो कहीं ना कहीं ये जो पीपल और मुन्नी का कनेक्शन बढ़ता ही जा रहा है दैट इवनिंग मुन्नी ओवर हर्ड बापू से दैट ही वुड सेटल द सेल ऑफ द फील्ड द नेक्स्ट डे अगले दिन खेत फाइनली क्या है बेचा जाएगा मुन्नी सुन लेती है और इसीलिए अब क्या है मुन्नी के जो परीक्षा की घड़ी अंतिम जो पास आ रही है फॉर आखिरी दिन कहानी का टुडे मुन्नी रोज बिफोर एनीवन एल्स सबसे पहले उठ गई है माता से भी पहले शी क्वाइटली रिमूव द वेडिंग ड्रेस फ्रॉम द वुडन बॉक्स एंड हिट इट अंडर दुपट्टा शी क्विकली फिल द लोटा विद वाटर एंड क्रैप्ट अवे इन द डिस्टेंस द क्लाउड स्लीपिंग ऑन द हिल्स एंड वैलीज वर बींग फिल्ड विद क्रिमजन रेडियंस द सन वर्स राइजिंग तो जैसे जैसे धूप उठ रही है ये चुपचाप से जो उसका शादी का जोड़ा है और लोटा छुपा के निकल चुके हैं पीपल की ओर बाई द टाइम शी रीच द पीपल द सन्नस रे हेड सेटल्ड ऑन इट्स इट अपर टू हर लाइक अ रिस्पेंडेंट ब्राइड रूम तो जब तक वो पीपल के पास पहुँच तब तक धूप उस पर पड़ रही है वापस क्या है द रेडनिंग ट्री लाल होता दर चमक रहा है और बिल्कुल एक क्या है ही इज़ लुकिंग लाइक स्पलेंडेंट ब्राइड रूम एक दुल्हे की तरह लग रहा है शी वॉज अनएबल टू लुक एट लुक स्ट्रेट एट इट टूडे वो आज क्या है उससे एक तरह से नजर भी नहीं मिला पा रही है डायरेक्टली नहीं देख पा रही है क्योंकि जो पेड़ है बहुत सुंदर लग रहा है और वो उसे अपने दुल्हे के रूप में देखने लग गई है शी प्लेस द लोट ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द ट्री एंड वेंट बिहाइंड द बुशेज देर शी डॉन द न्यू वेडिंग रोब्स तो सब कुछ वो नया जोड़ा पहन लेती है फोल्डेड विद डेम वर कोम मिरर सम बैंगल्स एंड अ स्मॉल बॉक्स ऑफ सिंदूर गंगा है मिरर है कुछ चूड़ियाँ हैं और सिंदूर है शी हेड लर्न द वेज ऑफ मैरिड वूमन फ्रॉम हर मदर शिवोर द बैंगल्स एन को तो ये सब जैसे जैसे उसकी माँ करती थी जो क्या है जो एक मैरिड औरत की जो श्रृंगार होता है वह सब वो अब कर रही है शिवोर द बैंगल्स एंड कोमडर हेयर देन शी रैप न्यू दुपट्टा अराउंड हर सेल्फ एंड सेटल्ड इट सोट इट कवर्ड हर फोर हंड्रेड एंड वील्ड हर फेस लिटल दोपट्टा उसने लगा लिया उसका चेहरा कवर कर लिया है डेट डाटर न्यू इमेज इन द मिरर मुन्नी वॉज ओवरकम विद शाइनेस तो अब क्या है वो धीरे धीरे दुल्हन बन रही है और दुल्हन का जो गहना है बोलते है, क्या है उसकी शर्म है या लाज है तो शाइनेस यू नो सो ऑल ऑफ़ दीज इमोशंस आर टेकिंग ओवर धीरे धीरे जो शायद वो बचपन से सुन रही थी कि एक दुल्हन कैसी होनी चाहिए और फिर ये सब वो क्या है वापस बांध के रख देती है मुन्नी गेम सॉफ्टली टूवर्डल सिंधूर तो बहुत ही एक you know, एपिसोड है मुन्नी फाइनली क्या है पेड़ के पास जाती है अपना जोड़ा वोड़ा बिल्कुल दुल्हन बनकर और एक पत्ता एक टहनी लेती है जिसपे वो सिंदूर डालती है और फिर वही अपने मांग में लगा देती है तो बेसिकली एक तरह से उसे लगता है उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी अपनी भी शादी हो गई उसकी पीपल की भी शादी हो गई है तो अब घर वालों को क्या दिक्कत नहीं उसने सब कुछ सॉल्व कर दिया है देखते क्या होता है इट सीम टू हर stem द स्टेम leaf द the hands of ऑफ tree ट्री दैट देवर हर पीपल अब ये उसका पीपल है इट हैड ceremonially हर the सेरेमोनली in द पार्टी इन दट she picked up द लोटा हर हार्ट वॉज नॉट प्लेफुल लाइक बिफोर अब उसके मन में क्या है पहले की तरह बचपना नहीं था प्लेफुलनेस नहीं थी नाउ इट वॉज नॉट मेरली अ ड्यूटी टू ऑफर वाटर अब क्या है सिंपली एक रोज़ की कार्य नहीं था पानी देना अब तो वो उसका पीपल उसका पति था और अब कहीं ना कहीं वो बड़ी हो रही है और ये सब फीलिंग्स उसके अंदर मन में जग रही हैं नॉर वॉज इट अ मैटर सिंपली ऑफ बंग हर अम्मा बाप उज इंजंक्शन इट वॉज हर फेट अब फेथ अब से बिलीफ ट्रायम्फ अब से ये उसका धर्म था कि रोज उसे पीपल को साथ अपना समय बिताना है और पानी पिलाना है शी थॉट ऑफ द पंछी इट सीम टू बी यू हैव पास मुन्नी अब वो वापस लेडी बर्ड को याद कह रही है और बोल रही है कि उसने कहा था यू हैव एज इफ शी सेंग यू हैव पास तुमने परीक्षा पास कर ली अपने माँ बापों को भी बचा लिया शायली एंड मॉडस्टली मुन्नी ऑफर्ड वाटर टू द पीपल विद लव देन शी पुट असाइड द लोट एंड टर फोर इट टू द ट्रंक ऑफ द पीपल विद रेवरेंस द फर्स्ट ग्रीटिंग ऑफ अ ब्राइड तो जैसे जो दुल्हन ने पहली बार अपने पति को ग्रीट करती है पैर छूती है जो भी तो वैसे ये भी अब अप, अपने पति यानी पीपल को ग्रीट करती है शी हरा इज वेल्ड अप एज शी बाउड हर फॉर इट टू हर हजबेंड शी गॉट अप एंड मूड अवे लिटिल शी ओपनली गेज द पीपल अब तो शादी हो चुकी है वो अच्छे से पीपल को निहार सकती है देख सकती है The crimson light, crimson रेड के लिए एक और शब्द है The crimson light of the golden सन रेज है टर्न द ट्री वर This glow was reflected within her too. तो जो गोल्डन सन रेज है उनकी जो लालिमा है जो लाल लाइट है कहीं ना कहीं वो जो क्या है जो पेड़ को भी पूरा लाल कर चुके हैं जिफ़ क्या है वो सिंदूर का बना हो और वही चमक मुन्नी के अंदर भी अब चमक रही है तो एक तरह से पेड़ और वो एक हो गए हैं मुन्नी टर्नड होमवर्ड्स मैरिड मुन्नी ब्राइड मुन्नी मुन्नी वर्ड्स टेक्ड हर सेल्फ फॉर हर फादर एंड दर फील्ड तो अब मुन्नी जो शादीशुदा मुन्नी वापस जा रही है जिसने अपने आप को दांव पे लगा दिया अपने पिता और खेत के लिए टू हर मैरिजमेंट थी मोर देन फीलिंग सिंदूर इन द पार्टिंग ऑफ हर हेयर क्योंकि उसके लिए तो शादी यही थी ना कि आपने अपने बालों में अपने सर पे सिंदूर लगा लिया शी थॉट शी हैड रिमूव फ्रॉम बापू शोल्डर्स द ट्विन बर्डन ऑफ हर सेल्फ एंड द पीपल उसने अब अब उससे लगता था बापू के कंधों से जो दोहरा बोझ था पीपल का भी और उसका अपना भी वो सब अब उसने हटा दिया है शी वॉन्टेड टू रीच होम बिफोर बापू लेफ्ट ऑब्वियसली नहीं तो बापू जाके खेत बेच देगा तो उससे पहले ही वो घर पहुंचना चाहती थी शी केम टू अ स्टैंड स्टिल एट द पैरापेट ऑफ द यार्ड बापू वॉज कमिंग आउट द हाउस कफिंग अ क्लॉथ बैग हंग फ्रॉम वन शोल्डर ऑन विच एयर तो वही है जैसे जैसे मन, मुन्नी वापस आ रही है घर की तरफ बापू भी निकल रहे हैं शायद खेच बेचने खेत बेचने के लिए जैसे ही वो चौकट पार करते हैं बापू जाई सडनली फेल ऑन मुन्नी स्टॉप डेवरपली हु वॉज दिस गर्ल कौन है लड़की शी हैड कम ड्रेस्ट अ ब्राइट बट ही कुड नॉट प्लेस है तो पहचान ही नहीं पा रहे क्योंकि वो पूरे अपने शादी के जोड़े में है अम्मा टू हैड कम आउट ऑफ द रोड एंड शी स्टूड बिहाइंड बापू बापू मूव फॉरवर्ड शाइली फेयरफुली मुन्नी इंच टू वर्ड्स हिम दे के फेस टू फेस एज सुन इज बापू रिकोगग्नाइज हर द ग्राउंड बनीथ हिज फीट बिगैन टू शेक जैसे ही बापू ने पहचान ले गई तो उनकी बेटी उनके नीचे गए जो धरती हिलने लग गई जमीन खिसक गई जैसा कहते हैं द हेवन सीम टू ब्रेक दिस ब्रेथ वॉज टक समेर इन इज थ्रोट ऐसा लग रहा था पूरा आकाश ही फट गया है और कहीं ना कहीं उनकी सांसें क्या है उनके हलक में ही अटक गई हैं बिफोर ही कुड मास्टर वर्ड्स स्क्रीम और शाउट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते चिल्ला पाते या कोई सवाल कर पाते मुन्नी फेल एट इज फीट विद न्यू फॉर्न पॉइज़ एक अलग ही जो ग्रेस पॉइज से मुन्नी उनके पैरों पे पड़ जाती है और कहती है बापू आई एम मैरिड द बंडल ऑफ पेपर्स फेल फ्रॉम मटरूज हैंड मटरू के हाथ में जो क्या है खेत का पर्चा पर्चा था पतरा था या फिर जो भी जो पेपर्स थे वो सब मटरू के हाथ से गिर जाते हैं एंड दैट इज द स्टोरी सो इन वे दिस इज कॉल्ड एन ओपन एंडिंग कि यानी यू नो एंड अब इससे आगे आपको बताया नहीं जा रहा है कि असल में क्या हुआ क्या वाकई में मुन्नी ने अपने पिता की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी या फिर अब क्या होने वाला है एक तरह से आपको पता है शायद क्या होगा बट यू नो दिस कॉल्ड एन ओपन एंडिंग सोचिए आप क्या होगा क्या हुआ होगा या गो थ्रू द क्वेश्चन एंड इसी के साथ आपकी ये किताब ख़त्म हो गई है नाव वी विल मूव ऑन टू द पोट्री सेक्शन ऑफ योर कोर्स विच इज़ द अदर बुक द ब्लॉसमिंग माइंड